बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी को दे दी गई है, जिसके बाद से सम्राट चौधरी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भी उन्हें नए दायित्वों की बधाई दी है। इसके साथ ही इन दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की बिहार में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर भी बातचीत हुई। दरअसल सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी के साथ मुलाकात वाली तस्वीरें शेयर की है और लिखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके कुशल नेतृत्व में राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने मुझे बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, बीते दिन सम्राट चौधरी ने अपने नए पदभार को ग्रहण किया है। इस दौरान राजधानी पटना में भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही अपने पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने उनके अंदर नई ऊर्जा भी भरने का काम किया। साथ ही साथ भरे मन से सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। पिताजी ने समता पार्टी बनाया और नीतीश कुमार ने अवैध कब्जा कर लिया, उस कब्जा को उखाड़ कर फेंक देंगे। एकदम स्पष्ट रहिए, नीतीश कुमार जी, अब तो आपका नाम भी लेने में हमको शर्म आता है कि बिहार में ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, जिस व्यक्ति को अब तो बुजुर्ग भी हो गए, आपको तो हम आग्रह करेंगे, चलिए कल्याण बीघा में कुटिया हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता आपके लिए बना दें। कहां आप बिहार के लोगों को थकाने का काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को राजनाथ जी को और पूरा केंद्रीय नेतृत्व को मैं पूरे भाजपा प्रदेश बिहार के तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी दायित्व नंदकिशोर जी ने कहा, ये कांटो भरा ताज है। मंगल जी ने कहा पूरा सहयोग करेंगे। राधा मोहन जी ने कहा ये जन भावना का कद्र नेतृत्व ने किया। नित्यानंद जी ने कहा कि आपके पास लगातार इस संगठन को बढ़ाने की ताकत है, और विशेष तौर पर मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे 3 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन मैं पूरा आश्वस्त करता हूं, ये कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष तो मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन ये पूरी टीम हमारा मार्गदर्शन करेगी और हमारे जो नेतृत्व का भी हमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। लेकिन स्वाभाविक है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि सोचिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में कल्पना की होगी जनसंघ की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 70 के जमाने में अंतिम पंक्ति के बैठने वाले व्यक्ति की चिंता की, अटल जी ने खाद्यान्न की चिंता की, रोड बनाने की चिंता की। भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी आपको। मैं तो साथी उस परिवार से आता हूं, मैं तो शॉक्ड भी हूं। मेरे पिताजी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, आदरणीय सीपी ठाकुर जी यहां से चले गए, विरोधी दल का नेता भी नहीं बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया। मैं तो धन्य हूं
पार्टी में रोज आपके अनुकूल डिसीजन नहीं होगा। इस बीच बिहार बीजेपी के सबसे सक्रिय नेताओं में शामिल सुशील कुमार मोदी वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि बीजेपी में सब ठीक है या नहीं। तब सुशील मोदी सामने आए, उन्होंने सफाई दी। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राज्यसभा में वित्त विधेयक पारित होना था। पार्टी का कहना था कि सभी सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से रहना है, इस कारण मैं नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के अभिनंदन कार्यक्रम में नहीं रह पाया। कल रात सम्राट चौधरी दिल्ली आवास पर मिलने आए थे। फिलहाल बता दें, राजनीति के जानने वालों का मानना है कि हाल के सालों में शायद ही बीजेपी के किसी प्रदेश अध्यक्ष का इतना भव्य तरीके से स्वागत हुआ होगा, क्योंकि पटना के साथ बिहार के जिलों से भी जिला अध्यक्ष और जिला स्तरीय बीजेपी के पदाधिकारी वहां पहुंचे हुए थे।